नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में देर रात कॉर्बेट प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण अग्निकांड हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन हादसे में कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। बहरहाल दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल बीती देर रात चिल्किया गांव में स्थित कॉर्बेट प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चल रही थी और वर्कर काम कर रहे थे। ऐसे में अचानक लगी आग से वर्करों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तत्काल आग लगने की सूचना फायर स्टेशन रामनगर को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए दमकल विभाग की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही थी, जिसको देखते हुए FSSO के आदेश अनुसार दो दमकल विभाग की गाड़ियों को और बुलाना पड़ा। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि फैक्ट्री में लगी आग से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। वहीं आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन नहीं हो पाया है। साथ ही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात ग्राम चिल्किया में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। आपको बता दें कि चिल्किया में कॉर्बेट प्लाईवुड में अचानक रात आग लग गई। आग लगने के बाद नाइट शिफ्ट में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मजदूरों ने फैक्ट्री स्वामी को देने के साथ ही फायर स्टेशन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग में हुए नुकसान का आकलन अभी नहीं लग पाया है। वहीं आग लगने के कारणों की जानकारी फायर स्टेशन के अधिकारी जुटाने में लगे हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।